सादा क्या लिया आपने? किसके? और मैं जो है वो अभी बैठ के अपनी वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं एक नज़म सुन रहा था अल्लामा इकबाल की, जिसका आखिरी शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। अल्लामा इकबाल हर चीज़ में अपना सानी नहीं रखते, शायरी में अपना सानी नहीं रखते। उनकी शायरी ने जितना तबीयत बख्शी है खुदी को, जैसे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इस चीज़ को अगर समझें तो मोमिनों को मालूम करेगा कि उसकी अहमियत क्या है इस दुनिया में। जो आप शिकवा सुन रहे हैं, जवाब शिकवा सुन रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि एक मोमिन की इस दुनिया में क्या अहमियत है। तो नज़म जो है वो मेरी लाइफ में मेरे बहुत करीब है, क्योंकि उस नज़म के मफहूम पे, मरकज़ी ख्याल पे, सेंट्रल आइडिया पे मैंने एक अपनी स्टोरी लिखी थी। और रमज़ान उसको डिस्कस करने की वजह से यही है कि हमने उस स्टोरी को जो रिकॉर्ड किया था वो रमज़ान में किया था, एंड रिलीज में उन्होंने दो साल पहले रमज़ान मुबारक में ही किया था, जिसका नाम था शिकवा। बहुत आउट क्लास वीडियो बनी थी, अलहमदा मैं अपनी वीडियो को बहुत तारीफ करूँ ना, मैं करता नहीं, तो वो बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि टू द पॉइंट हमारा सेंट्रल आइडिया जो है वो डिलीवर्ड हुआ था। शुजा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, हसीब क्लासिक परफॉर्मेंस, नो डाउट, दोनों मेन रोल और दोनों बेहतरीन। और फिर जो मेन जो हमारा जहाँ से हमारा मैसेज डिलीवर हुआ था, तो हुसैन आउट क्लास हुसैन, और फिर जलाल, एंड जो जिन्होंने मेरी हेल्प की इस वीडियो के लिए, जैसे सुहान अली एंड दूसरे जो मेरे साथी थे वो। तो ये वीडियो हम लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड की थी रमज़ान मुबारक में, और हमने रिलीज भी तभी की। हमें मुझे याद पड़ रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड शुजा एंड हसीब मुझे संडे देते थे, संडे के दिन हम लोग जो है वो रोज़े की हालत में, पूरा दिन गर्मी में रोज़े की हालत में लोग रिकॉर्डिंग करते थे, शूटिंग करते थे, एंड हम लोगों ने ये वीडियो जो है वो दो संडेज़ या फिर तीन संडेज़ में, हाँ तीन संडेज़ में हमने ये वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट की थी। एंड मैंने जो है फ़ौरन ही दो दिन बाद मैंने अपलोड कर दी थी, एंड अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था हमें, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने मेहनत की थी उसमें। तो शिकवा का मंबा रख कर मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई, वो जो पीछे हम लोगों ने किया था। तो शुजा हसीब मिस योर लॉट भाइयों, जलाल हुसैन तो साथ ही काम कर रहा है, तो वो टीम, एक टीम स्पिरिट था हमारा जो काम करने का, वो बहुत एक अलग था, वो मज़ा आता था काम करने में। तो इसी तरीके से मैं जो स्टोरीज लिखता हूँ तो किसी मफहूम से मैं जो है वो मुतासिर होकर लिखता हूँ। जैसे मैंने अजनबी लिखी थी, वो भी हम लोगों ने रमज़ान में बनाई थी, मैं दोनों वीडियोज़ का भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। तो अजनबी मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने रमज़ान मुबारक में रिकॉर्ड की थी, शुजा का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे याद है उसमें हमें रिले करना पड़ा, और बहुत मुश्किल से मैंने ऑपरेट की थी, मैं बताऊँगा कि वजह क्या थी। तो ये दोनों मेन वीडियोस जो है वो मैंने रमज़ान मुबारक में रिकॉर्ड की, तो सारी पुरानी यादें याद आ गई मुझे, तो मैं आपसे शेयर करूँ। गाइस कैसे हैं आप लोग? दोपहर के 2 बजे और मैं ट्यूशन आ चुका हूँ, और मेरी आँखों से लग रहा होगा आपको, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, अगर तबीयत थोड़ी सी नासाज है, खांसी है, थोड़ा सा फ्लू है, खैर है वो उसके सबके साथ। एक चीज़ और है, वो है अल्लाह का शुक्र। तो अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। तो आज वही एक्टिविटीज़ काम ज़्यादा है, एग्जाम सर पे हैं तो बिज़ी रहेंगे। कपड़ों की सेंस नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी अलमारी में जो कपड़े हैं वो ऐसे पड़े होते हैं जिसे बोलना नहीं चाहिए कि रश करने के बाद लाशें पड़ी होती हैं, ऐसे पड़े होते हैं मेरे कपड़े। तो जो हाथ लगता है वो पहन लेता हूँ भाई, कपड़ों की सेंस नहीं है, ना ही शौक है कोई अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करने का, बस कभी ओकेजनली जब पहनता हूँ तो पहन लेता हूँ अच्छे, अदरवाइज़ जो हाथ लगा पहन लिया, क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से। फिर कि आज 11 रमज़ान मुबारक है, और माशाल्लाह एक अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है, तो अल्लाह ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखकर, बगैर किसी तकलीफ़ के, बगैर किसी परेशानी के, अल्लाह ताला ये 10 दिन भी 20 दिन भी गुजारे होंगे, देखते हैं आगे मिलते हैं फर्दर एक्टिविटीज़ के साथ। फाइनली मैं ट्यूशन से हो गया फ्री, मैं जा रहा हूँ घर, घर जाकर जो है वो मुझे नमाज़ पढ़नी है सबसे पहले असल की, फिर उसके बाद जो है वो मुझे कलाम पाक की तिलावत करनी है, एंड देन मुझे पारी के लिए कुछ
जो है वो शायद सामान लाने पड़ेंगे बाहर से, तो मैं जा रहा हूँ घर और देखते हैं कि क्या घर पे काम होते हैं मुझे। बस क्या, तो घर पहुँचा तो कोई काम नहीं था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सौदा को लेकर मेला दिखाने ले जाया जाए। तो मैं जो है हमारी गली में एक मेला लगता है वहाँ चला गया, और वहाँ पे जो है वो बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, लाइक झूले थे, हॉर्स राइडिंग थी, बग्गी थी, इसके अलावा जो है वो जंपिंग पैड्स थे। ये यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, ये बग्गी की राइड थी यहाँ पे, जंपिंग पैड्स थे बच्चों के लिए, और इसके अलावा जो है वो घोड़े की राइड थी, इसके अलावा कैमल राइड्स भी थी, झूले तरह तरह के थे, कश्ती वाला झूला था और ये डोली वाला झूला। ये तो मुझे बचपन के याद आ गई सारी, कि हम लोग भी झूले में बहुत ज़्यादा झूला और चप्पल रख देते थे हम लोग नीचे, और हर डोली में से किसी ना किसी को चप्पल उठाने के चैलेंज दिया जाता था, खुद जो उठाता था वो कामयाब कहलाता था। तो ये भी थोड़ी सी बचपन की यादें यहाँ पे ताज़ा हो गई मेरी। तो इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये बच्चों के सिक्योर्ड झूले थे कुछ, जिसमें जो है बच्चे बैठ के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, और कश्ती वाला झूला एक बड़े साइज़ का भी था, छोटे साइज़ का भी था, बड़े में तो ऐसे बड़े बच्चे बैठे थे, छोटे में जो है वो छोटे बच्चे बैठ के झूला झूल रहे थे, कैमल राइडिंग भी थी। मैंने सौदा को बहुत कोशिश की किसी झूले में या किसी चीज़ पे राइड करवाने की, लेकिन वो नहीं बैठी और कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, और तरह तरह के बहाने कर रही थी। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे एरिया में होती रहती हैं हर साल, तो इस साल भी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। सौदा क्या लिया आपने, किसके हैं? हमारी ये एक्टिविटी थी कि हम लोग जो हेलो हम लोग बलून लेने चले गए बाहर निकले, तो उसको मैंने झूला वगैरह दिलाने की कोशिश की, ये डरती है भाई, पहले नहीं डरती थी, अब डरने लग गई है, तो झूला वगैरह उसने अवॉइड किया। और क्या लिया इसने, सौदा क्या लिया आपने, किसके हैं ये, किसके हैं? एक सौदा का है, किसका है? सही है, तो टाटा कर लो लोगों को, टाटा, अल्लाह हाफिज़।